इसकी कानून व्यवस्था सुरक्षा का एक बेहतर माहौल दे रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, आस्था का सम्मान करने वाली, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देने वाली बन चुकी है। और भाइयों बहनों, इसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। और नहीं तो ये गुंडे, माफिया, ये अपराधी बहन बेटियों का स्कूल जाना बंद कराते थे, वे बाजार में नहीं निकल पाती थी, व्यापारी और उद्यमियों को गुंडा टैक्स देना होता था, कोई निवेश नहीं करना चाहता था, जो निवेश किया है वो निवेश छोड़ करके भागता था। आज आप देख रहे होंगे पेशेवर माफिया और अपराधी आज गुंडा टैक्स नहीं वसूल कर सकते, आज ये किसी सत्ता में किसी ठेके में जबरन नहीं कर सकते, आज वे जाकर के किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनको पहले ही दिन कह दिया गया था कि अगर प्रदेश के अंदर कानून के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई हरकत की तो फिर जान के लाले पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और भाइयों बहनों, आज अपराधियों को गले में तख्ती लटका करके घूमते हुए भी आप देख रहे होंगे। और इसीलिए आज मैं आपके लिए आपके पास आया आपसे कहने के लिए कि निवेश और रोजगार की पहली शर्त होती है सुरक्षा की। डबल इंजन की सरकार सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दे रही है। डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों को तीव्रता के साथ आगे बढ़ा रही है। और डबल इंजन की सरकार बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेरठ भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है और स्मार्ट सिटी में ITMS को, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को, हम लोग सेफ सिटी के साथ जोड़ रहे हैं कि अगर शहर की सुरक्षा पर बहन बेटी हो, व्यापारी हो, आम राहगीर हो, कॉमन नागरिक हो, उनकी सुरक्षा पर कोई सेंध लगाने का कहीं से किसी ने दुस्साहस किया, इस चौराहे पर उसने किया, अगले चौराहे पर पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी, उस आगे से कोई इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। हम लोग स्मार्ट सिटी में ITMS को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में विकसित कर रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं, निवेश का एक अच्छा वातावरण प्रदेश के अंदर बना है। और इसी वातावरण को देखते हुए उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य रखता है। उस सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के बारे में करने के लिए जो संकल्प लिया है, उस संकल्प में यूपी भी ग्रोथ इंजन के रूप में काम करे, इसलिए यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो व्यापक निवेश को हमें आमंत्रित करना होगा। और निवेश की जो महत्वपूर्ण शर्तें होती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो, सुरक्षा का बेहतर वातावरण हो, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में हर व्यक्तिगत निवेशक और व्यवसायी को निवेश की उस प्रकार की सुविधाएं हो, इन सभी चीजों को आगे बढ़ाते हुए आज जब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है तो मैं उसी का आह्वान करने के लिए आया हूं मेरठ के सभी उद्यमी, व्यापारी और प्रबुद्ध जनों से कि भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार के साथ साथ स्थानीय आवश्यकताओं के लिए स्थानीय स्तर पर भी जो सरकारें गठित होती हैं उनकी भी बड़ी भूमिका होती है। बहुत सारे NOC उनसे लेने होते हैं, उसके लिए भी एक तैयारी। और दूसरा, हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी किया है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके, रोजगार का व्यापक पैमाने पर सृजन किया जा सके, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग हम उत्तर प्रदेश के विकास में कर सके। इस दृष्टि से आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को लगातार चाहिए। और 10 से 12 फरवरी के लिए उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हर व्यक्ति अपने अनुरूप क्षेत्र चिन्हित करते हुए इंसेंटिव भी अब लेने की जो व्यवस्था है, भाइयों बहनों, ये इंसेंटिव भी जैसे निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से निवेश करने के लिए आपने आवेदन किया,
340 से अधिक एनओसी उसी में आपको जारी हो जाएगी। और वैसे ही हमने इंसेंटिव के लिए भी कर दिया है, पोर्टल में आपने निवेश किया ऑटो मोड पर वो सारा कार्य होते हुए आपका इंसेंटिव भी आपके खाते में वापस अपना आता जाएगा, आपको उसके लिए किसी कार्यालय का चक्कर लगाना ही नहीं पड़ेगा। इसकी एक मैकेनिज्म हम लोग तैयार कर चुके हैं और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। एक और मेरठ में 517 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है, और दूसरा आप सबको इस बात के लिए कि डबल इंजन की सरकार के साथ साथ स्थानीय स्तर पर जो कार्य हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा पहली बार शहरी क्षेत्र में भी गरीब को सिर ढकने के लिए आवास मिल सकता है। प्रदेश में हम लोगों ने अब तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है, शहरी क्षेत्र में 17 लाख लोगों को यह सुविधा उपलब्ध हुई है, और अभी ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम लोगों के पास 10 लाख और आवास हैं जिनको वितरण की कार्रवाई के साथ हम जोड़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर ढकने के लिए हर नागरिक के पास अपनी छत होगी। पहली बार आप देख रहे होंगे पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पटरी व्यवसायी के लिए भी, ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वालों के लिए भी हम लोगों ने ब्याज फ्री ऋण की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया तो उत्तर प्रदेश में 9 लाख पटरी व्यवसायी अब तक इसका लाभ ले चुके हैं। अभी हमने मंच पर ऐसे नौजवान ऐसे लोगों को ऐसे पटरी व्यवसायियों को उनका लोन भी दिया है। 2 करोड़ युवाओं को हम लोग प्रदेश के अंदर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण कर रहे हैं। अब स्मार्ट सिटी ही नहीं होगी, स्मार्ट यूथ भी यूपी का होगा, और उसे स्मार्ट बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई भी स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है। भाइयों बहनों, हर गरीब को शासन की योजना से जोड़ने के लिए जो विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है, चाहे वो आप उज्ज्वला योजना की फ्री में रसोई गैस की योजना हो, सौभाग्य योजना में फ्री में उसे विद्युत कनेक्शन की सुविधा देने की व्यवस्था हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घर हर गरीब को फ्री में शौचालय उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, हर गरीब को उसके संकट के समय सरकार खड़ी होकर के उसका सहयोग कर सके, ये सब आपके सामने हुआ है। कोरोना कालखंड उसका आदर्श उदाहरण हो सकता है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को डबल इंजन की सरकार हर महीने डबल डोज राशन की भी उपलब्ध करवाने का कार्य करती थी। भाइयों बहनों, ये कोरोना कालखंड में देश और दुनिया ने देखा है, और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर उठाए गए कदमों में जनता जनार्दन का आशीर्वाद निरंतर मिला है। हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ आपका सानिध्य और समर्थन हम लोगों की बहुत बड़ा संबल होता है, और उस संबल को और पुष्ट करने के लिए स्थानीय निकाय के प्रबुद्ध जन शासन की योजनाओं को हर परिवार तक पहुंचाने, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ हर नागरिक बिना भेदभाव के ले सके, और जो विकास की योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार भी हो और लोगों को जानकारी हो कराया किसने। भाइयों बहनों, अगर मेरठ के अंदर पिछली बार नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गठित होता तो नगर निगम मेरठ की कायाकल्प करने में और ज्यादा मदद हम लोगों को मिल गई होती और तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते, क्योंकि सरकार तो पैसा दे सकती है लेकिन उसको ईमानदारी के साथ जमीनी धरातल पर पहुंचाने के लिए स्थानीय बोर्ड को उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। भाइयों बहनों, जब कहीं भी चूक होती तो उसका प्रभाव बुनियादी सुविधाओं पर पड़ता है। कोई सोचता था कि हर घर नल की योजना साकार हो पाएगी, प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, देश के अंदर भी हो रहा है, प्रदेश बड़ी तीव्रता के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है।
और हर घर नल की योजना केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं शहरी क्षेत्र में भी साकार हो रही है। अच्छे सेंटर के रूप में विकसित कर सके, यहाँ के उद्यमियों ने, यहाँ के शिक्षाविदों ने मेरठ को एजुकेशन हब के रूप में डेवलप करने की जो कार्रवाई आगे बढ़ाई है, अच्छे अच्छे संस्थान यहाँ खुले हैं और अच्छे संस्थान खुले, आप इसके लिए आगे आइए। राज्य सरकार तो आज केंद्र सरकार के साथ मिलकर के वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की कार्रवाई को आगे बढ़ा चुकी है। अब तक 1947 से लेकर 2017 तक मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे, आज भाइयों बहनों मात्र 5 वर्ष में 35 नए मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार बना, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर बना रही है। और हमारा प्रयास है कि इस वर्ष के अंत यानी अगले वर्ष तक हम लोग हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर लें। हमने पूरी कार्य योजना बना ली है, उसको लागू भी कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश केंद्र में सभी सुविधाएं होनी चाहिए जो उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला सके, और उस पहचान के लिए एक बार फिर से मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि आज जो 376 परियोजनाओं का जो 517 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर आज उपलब्ध कराई जा रही है, इनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, ये हमारे जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और उनके पुरुषार्थ का परिणाम है। इसमें स्मार्ट सिटी से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी हैं, इसमें स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी हैं, इसमें हेल्थ से जुड़े हुए भी प्रोजेक्ट हैं, और इनमें जुड़े हुए एक आम नागरिक के जीवन में परिवर्तनकारी सोच के साथ उन्हें जन सुविधाओं से युक्त करने और डेवलपमेंट की योजनाओं के साथ जोड़ने की इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने इस अभियान को आपके हाथ अपने हाथों में लिया है। मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए मेरठ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी प्रबुद्ध जनों का आह्वान करता हूं कि भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार को आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अब स्थानीय निकाय के साथ साथ निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। मेरा यह मानना है एक स्कूल का निर्माण होना, एक कॉलेज का निर्माण होना, एक विश्वविद्यालय का निर्माण होना, एक चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो या फिर उद्योग का, ये हमारे लिए निवेश है। आपकी पूंजी की सुरक्षा और आपकी सुरक्षा की गारंटी सरकार आप अपने हाथों में लेती है। आपको हम पूरी तरह आश्वस्त करते हैं आप प्रदेश के अंदर निवेश करिए और उत्तर प्रदेश सरकार आपको हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगी, हर प्रकार की यहाँ पर जितनी भी सुगमता के साथ आपके निवेश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी राज्य सरकार इसमें भरपूर मदद करेगी। आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन के अवसर पर आप सभी प्रबुद्ध जनों का एक बार फिर से मैं अभिनंदन करते हुए सभी जनप्रतिनिधियों को और मेरठ वासियों को 517 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। आपकी प्रेरणादायी उद्बोधन